उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम 13 अक्टूबर की गोलीबारी पथराव के बाद धराशायी हो गया। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मच गया और युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मूर्ति विसर्जन में डीजे को लेकर पहले विवाद हुआ, फिर गोली चली जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोग सड़क पर आ गए। सर, हमारे मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकाले हुए और लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग पथराव किए, उसके बाद में एक लोगों को अंदर मस्जिद में लेके जाने के बाद में उनको गोली मारी गई और उनका जो भी तलवार से पैर काटा गया और नाखून भी क्लास से उजाड़ दिया गया। युवक की मौत की खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने गाड़ियों के शोरूम में आग लगा दी। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए। मेडिकल कॉलेज के सामने ही सड़क पर शव रख कर गांव वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दूसरी जगहों पर भी विसर्जन यात्रा रोक दी गई। लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की मौत हो गई और ऐसे में ये परिवार है, आप देखिए ये सभी परिवार है, ये उनकी पत्नी है, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है और ये इनके परिवारजन है, ये इनकी बहन है, यहाँ पर मौजूद है। ये सभी चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और ये बहराइच की जिस तरीके से दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन किया जा रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सामने आई है। हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए क्या क्या हुआ था घटना में जब ये सब शुरू हुआ? मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था, खुदा वाला खुदा को नोच कर वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से, पीछे से मुसल्लिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी, कांता गड़ासी यहाँ लगा, पेट में लगा, पेट फाड़ डाला गवा, नाखून प्लास से नोचे गए, बेरहमी से विश्वास देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या चाहते? न्याय चाहती हूँ, न्याय नहीं है उनकी, क्या कहेंगी? बहराइच कांड मामले में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक नामजद आरोपी सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी वही है जिसके घर और दुकान से फायरिंग की गई थी, जिसमें राम गोपाल नामक युवक की मौत हो गई थी। इस झड़प से हालात इतने भयावह हो गए हैं कि डीएम से लेकर खुद सीएम योगी तक सख्ती के साथ मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मामले का मुआयना कर रही डीएम ने क्या कहा, सुनवाते हैं। डीएम मैम, क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। बहराइच में इस वक्त सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिया गया है, पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। डिप्टी सीएम ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पूरी तरह से खड़ेंतकारियों की जांच हो रही है, जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। वहीं पुलिस अधिकारी और क्षेत्र की एसपी उग्र हुए लोगों से बात कर उन्हें समझाते हुए नजर आई। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि हैं पूरे ग्रुप के, कृपया शांति पूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे मजाक करेंगे, सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। प्लीज कृपया 2-3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आ जाए, शांति रखिए। इस तरह से करने से नहीं होगा, हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए, सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसा कोई संभव नहीं है।
ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है, प्लीज शांतिपूर्वक बताइए, शांतिपूर्वक बताइए, आप आगे आके बताइए।